हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है तो आज मैं पूरा दिन मैंने क्या क्या किया वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और मेरा गिफ्ट भी देखिएगा कि मैंने उनको क्या गिफ्ट दिया। ओके, चलें तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरी दिन की शुरुआत जो है वो गर्म पानी से होती है। मैं ज़रूर सुबह गर्म पानी पीती हूँ ताकि मेरा वेट भी रिड्यूस हो। और दूसरा है फिटनेस, जो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती। पूरे दिन में एक घंटा मैं फ़िटनेस ज़रूर करती हूँ ताकि मैं पूरा दिन एक्टिव रहूँ। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरी जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला। टूटी तकदीरे तो क्या, टूटी शमशीरे तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। वापस आती हूँ तो ये दोनों मुझे ऐसे खेलते हुए नज़र आते हैं। देखें कितनी मस्ती कर रहे हैं। ज़िंदगी कैसे जीते हैं कोई इन बच्चों से सीखे। इनको कोई मतलब नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है और ऐसे ही रहना चाहिए बिल्कुल मस्त। क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है फ्रेंड्स, तो उसकी हमें कद्र करनी चाहिए। और आज तो दोनों और भी ज़्यादा खुश हैं क्योंकि आज पापा का बर्थडे है और आज इनका फेवरेट केक बनने वाला है, तो ये और भी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। पहले ही डिसाइड कर लिया था कि आज मैं पूरा दिन पुष्पेंद्र का फेवरेट फूड बनाऊंगी, जो जो उनको पसंद है। ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक सब उनका फेवरेट बनेगा आज। तो शुरुआत कर रही हूँ मैं आलू का पराठा से। आलू के पराठे मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो मैं उसी से ही स्टार्ट कर रही हूँ। सिंपल, बस कोई ख़ास रेसिपी नहीं है इसकी। फिलिंग इसकी बीच में मैं इसे फिल कर लेती हूँ और लेयर जो है वो बस टू लेयर में ही बन जाता है ये। और इसको इस तरीके से प्रेस कर दूंगी ताकि ये निकले नहीं स्टफिंग इसकी बाहर। और फिर अच्छे से बेल देती हूँ ताकि ये पतला और क्रिस्पी बने। ये देखें, रेडी हो गया इनका ब्रेकफास्ट। और मैंने ब्रेकफास्ट जो है वो थोड़ा हैवी में इसलिए रखा है ताकि दिन का जो है वो मैं खाना स्किप करूँगी, लंच नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारी प्रिपरेशंस जो हैं वो करनी है। केक बनाना है, आइसक्रीम बनानी है, तो उन सब चीज़ों में भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट जो है वो इनको थोड़ा लेट दिया ताकि भूख नहीं लगे। ये देखें, मैंने यहाँ पे चार ओरियो बिस्किट्स लिए हैं और एक पार्ले जी का पैकेट लिया है। इन सब का मैं एकदम इसको पाउडर फॉर्म में कर दूँगी, पीस लूँगी अच्छे से। यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ केक, ओरियो केक। बहुत जल्दी बन जाता है और ये बहुत ही यमी बनता है। और इसको भी मैं ऐसे पूरा एक पैकेट मैंने यहाँ पर इसको पाउडर बना लिया है, एक पैकेट ही मैंने यूज़ किया है उसका। ये दो देखें, दोनों को मिक्स कर लूँगी। और इसमें मैं आधा ग्लास जो है वो दूध का मैंने डाला है। और अब इसको हैंड मिक्सर से ब्लेंड कर दूँगी। और इसमें एक पाउच लास्ट में इनो का, बस ऐसे इसको मिक्स करना है, इसको जो है वो ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना। और मैंने यहाँ पे इडली और खमन का जो आता है बाउल जो आता है उसी में ही मैंने इसको प्री हीट करने के लिए रख दिया। और इसमें मैंने बटर थोड़ा सा इसको ग्रीस कर लिया अच्छे से। और बस इसमें मैंने ये बैटर फिल कर लिया। अब मैं इस रखती हूँ इसको, देखते हैं कितनी देर में कुक हो जाता है।
ये मैं चेक कर रही हूँ, हो गया है ऑलमोस्ट, ये कुक हो चुका है। तो बस अब एक इसको एक अलग सी प्लेट में जो है वो मैं शिफ्ट कर दूँगी, और इसको अभी नहीं छेड़ूंगी मैं, कम से कम एक घंटा मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था ताकि ये पूरे तरीके से ठंडा हो जाए और आराम से फिर प्लेट में शिफ्ट हो जाए। मैंने इसका पलट दिया है और इस फ्रंट साइड नहीं है, ये बैक साइड है। अब मैं थोड़ी सी डेकोरेशन की प्रिपरेशन कर रही हूँ कि केक को कैसे ज़्यादा डेकोरेट तो नहीं कर पाई, सिंपल सी डेकोरेशन है इसकी। चार मैंने यहाँ पे चॉकलेट्स ली हैं डेरी मिल्क की, और ब्राउन शुगर लिया है, इसको पाउडर बना दिया, और थोड़ा सा दूध, और दो चम्मच मैं यहाँ पे एक चम्मच मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लोर जो है वो मिक्स कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत इसको डेकोरेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये ऐसे भी अच्छा लगता है खाने में। ये मैं यहाँ पे चॉकलेट सीरम बना रही हूँ, ये सीरम मैं थोड़ी ज़्यादा बना रही हूँ, वैसे इसमें तो इतनी यूज़ नहीं होगी क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो थोड़ा इसको अच्छे शौक से खाते हैं, तो ये मैं कभी ब्रेड पे स्प्रेड करके या फिर कभी पराठे पे स्प्रेड करके दे देती हूँ, तो ये अच्छी लगती है। यहाँ पे मैं तो एक जो इसका ढक्कन है वो बॉर्नवीटा का भी इसमें मिक्स करूँगी, और भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर बन जाता है ये। ये देखें, ये चॉकलेट सॉस मेरी रेडी है, इसको मैंने ज़्यादा बनाई है, तो बाकी जो बचेगी मैं फ्रिज में स्टोर करके रख दूँगी। ये देखें, उल्टी तरफ से मैंने इसको पूरा स्प्रेड किया है चॉकलेट। अब मैं इसके ऊपर जो है वो जैम्स लगा दूँगी, और ये देखें हो गया रेडी। और फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था सेट करने के लिए, और ये देखें दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, खूब मस्ती करते हैं सारा दिन। और आजकल जो है वो आरम स्टूडेंट बना हुआ है देवम का, देवम उसका टीचर बन गया है, और उसको सब नर्सरी क्लास में क्या क्या पढ़ाते हैं सब उसको जो है वो अभी से ही गाइड कर रहा है, हेल्प कर रहे हैं उसकी, ताकि उसको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं हो। और यहाँ पे वो टेबल टेनिस की प्रैक्टिस कर रहा है, हमने इसके लिए बॉल जो है वो बेड पे ही ऊपर की साइड पे हैंग कर दी थी ताकि इसको इजीली जो है वो यहाँ पे घर पे ये प्रैक्टिस कर सके। और अब मैं आइसक्रीम की प्रिपरेशन करने आई हूँ किचन में। ये देखें, 4 ओरियो के पैकेट्स मैंने यहाँ पे लिए हैं, और 2 जो है वो मैंने मिल्क क्रीम यहाँ पे यूज़ किया है, अमूल का 200 ml का एक पैकेट है ये, और मिल्क मेड का जो छोटा सा जो जार था वो है 200 ml का। तो मैंने यहाँ पे 2 जो है वो अमूल के 400 ml टोटल हो गया वो क्रीम यूज़ किया है, और 1 जो 200 ml का मैंने यहाँ पे कंडेंस मिल्क यूज़ किया है, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है कॉर्नफ्लोर। यहाँ से मुझसे एक गलती हो गई थी यहाँ पे कि मुझे 2 चम्मच लेने चाहिए थे ताकि ये थोड़ा सा थिक बने, आइसक्रीम उतनी थिक नहीं हो पाई थी। तो अगर आप बनाएं इसको तो प्लीज़ इसमें 2 चम्मच डालिएगा ताकि ये थिक बने, अच्छी बने। और अब मैंने इसको ब्लेंड कर दिया तीनों चीज़ों को, अब मैं इसमें थोड़ा सा ये ओरियो क्रश किया हुआ डाल दूँगी, आधा डाला है, आधा मैं इसमें बाद में डालूँगी, ऊपर से डेकोरेट करूँगी जब ये थोड़ा सा जम जाएगा। और अब मैं इसको एक सिंपल जो स्टील का कैसरोल आता है उसी में ही इसको जो है वो मैंने डाला है, ताकि इसका क्या है कैप बहुत इजीली अच्छे से टाइट क्लोज़ हो जाता है। ये देखें इस तरीके से क्लोज़ करना है, एक हल्का सा रैप लगा लीजिए आप पॉलीथिन का या फिर शीट का, प्लास्टिक शीट का। और मैंने इसको 4 घंटे के बाद चेक किया था तो ये अभी भी उतने अच्छे तरीके से नहीं जमी थी, तो मैंने थोड़ा और इसको जमाने के लिए रख दिया, लेकिन ये बहुत टाइम लगा इसको जमने में क्योंकि मैंने कॉर्नफ्लोर कम डाला था, इसको थोड़ा टाइम लगा जमने में, पर अच्छे से जम गई थी और खाने में भी बहुत टेस्टी बनी थी। और इवनिंग हो चुकी है, यहाँ पे दोनों जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं, पुष्पेंद्र एंड देवम, और देवम क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलता है, अभी जिस तरीके से उसकी एज है उस हिसाब से वो बहुत अच्छा खेलता है, रोज़ प्रैक्टिस करता है वो क्रिकेट की। और ये देखें यहाँ से नीचे का व्यू, शाम को ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ से। और ये है हमारे घर का छोटा सा मंदिर, और ये है मेरे गुरुजी।
अब जो है वो मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ छोले और अंडे की सब्ज़ी। तो मैंने छोले रात को ही भिगो दिए थे और अब मैंने इसमें डाला है 2 चिकन क्यूब्स। ये बहुत इजीली मार्केट में मिल जाती हैं तो इससे इसका फ्लेवर भी अच्छा आता है। और मैंने यहाँ पे 2 बड़ी इलायची, तेज़पत्ता और यहाँ पे मैंने ये डाला है दालचीनी का पाउडर और नमक डाल दिया था और इसको 3-4 विसल दिला दी थी। और अब ये जो है वो मैं इसको पानी समेत ही ट्रांसफ़र कर दूंगी एक बाउल में। ये पानी मैं थ्रो नहीं करूंगी। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल गरम किया है और अब इसमें मैं डालूंगी जीरा और फिर प्याज को मैंने पहले ही ब्लेंड कर दिया था तो ये मैंने ऐड किया है इसमें। और अब इसको थोड़ा सा भून लूँगी, पूरा वो डाला और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ मैं इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। थोड़ा सा ये ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा ही पकाऊंगी इसको मैं। और फिर मैंने यहाँ पे टोमेटो प्यूरी डाल दी थी, ग्रीन चिलीज़ डाल दी थी और इसको कवर करके रख दूंगी जब तक इसका ऑयल बाहर नहीं आ जाता। ये देखें अब ये ऑल जो इसका ऑयल निकलने लग गया है। अब इसमें मैं 2 आलू डाल रही हूँ मैश किए हुए, बॉयल्ड एंड मैश। आलू से क्या इसकी ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। और अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ, बाकी जो भी मसाले हैं वो डाल दूँगी, धनिया पाउडर और थोड़ी सी नमक डाल रही हूँ फिर से और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चिकन मसाला डाला है। अगर आपके पास नहीं हो तो भी आप स्किप कर सकते हैं, उसके बगैर भी अच्छी बन जाएगी लेकिन चिकन मसाले से उसका फ्लेवर अच्छा आएगा। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी काली मिर्च डाली है और बस फिर से इसको कवर करके मैं थोड़ी देर रख लूँगी। अब मैं इसको चेक कर रही हूँ, ये देखें फिर से जो है वो तेल निकल गया है। अब मैं इसमें ये पानी समेत ही जो छोले हैं वो डाल दूँगी। इसका मैंने पानी थ्रो नहीं किया था क्योंकि उसमें मैंने जो चिकन क्यूब्स डाली थी ना तो उसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आएगा, तो वो पानी थ्रो नहीं करना है, उसको एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर दिया मैंने इसमें। और अब थोड़ी देर इसको और छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छे से ग्रेवी में मिक्स हो जाए। और अब मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल रही हूँ, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। ये पाकिस्तान की फेमस रेसिपी है छोला अंडा, बहुत डिलीशियस लगती है खाने में। मैंने यहाँ पे 4 eggs बॉयल eggs इसमें मिक्स कर दिए हैं और थोड़े से और भी बॉयल egg मैंने करके रखे थे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और भी डाल दूँगी बाद में। अभी तो मैंने सिर्फ 4 ही डाले। आप इसमें ऐट द टाइम भी eggs को मिक्स कर सकते हैं, वो इजीली इसमें मिक्स हो जाता है। और मैं अब इसमें धनिया डाल दूँगी, बस हो गई रेडी। बहुत अच्छी बनती है, बस इसको कुक अच्छे से करना होता है। मैं फिर से इसको जो है वो 10-15 मिनट के लिए कम आंच पे रख दूँगी ताकि ये और अच्छे से कुक हो जाए। ये देखें रेडी हो गई मेरी छोले अंडे की सब्ज़ी। और ये मैंने नान बनाए हैं, नान का जो है वो मैं शूट करना भूल गई, नेक्स्ट टाइम आपके साथ शेयर करूंगी इसकी रेसिपी। नान भी बहुत अच्छे बने थे, बहुत सॉफ्ट बने थे। और मेरा यही गिफ्ट था कि मैं ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक जो है वो पूरा इनका फेवरेट ही बनाऊंगी। तो इनको भी अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय किया हमने। और चलें अब बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू करते हैं। बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है यार तू। हैप्पी बर्थडे टू।